अब दो खबरें हैं, एक अच्छी और एक बुरी। पहले आप अच्छी खबर बताओ। पहले अच्छी खबर बता दूं तो अच्छी क्योंकि अच्छी खबरों की फसल आजकल। नाम मैं आपको बता दूं और नाम ये आठ हैं, मतलब इसमें भी क्योंकि लोग गलती कर रहे हैं, ना वो आज का मैच खेलेंगे ना ही वो कल का मैच खेलेंगे, तो वो प्लेयर है शिखर धवन, यानी कि आज आपके कप्तान भुवनेश्वर चहर अवेलेबल हैं। वो चहर और चहल में थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों को हो गया होगा, चहर दीपक चहर राहुल कंफर्मेशन के बाद बताया था, कंफर्मेशन के बाद। हाँ, नहीं वो ऐसे नहीं होता ना कि कहीं पर देख के। हाँ, तो भुवनेश्वर कुमार आज कब कुमार दिखे भाई, आप ऑलराउंडर ढूंढ रहे थे तो सुनहरा मौका मिल गया ना, ये भी तो है। हमने बात की थी कि क्या वनडे के जैसा ही टी20 में एक्सपेरिमेंट करती दिखाई देगी टीम इंडिया। नहीं नहीं मैं मुझे करेक्शन 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 भाई, शिखर अवेलेबल है यहाँ पे भी, करेक्शन कर दो। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप पढ़ के नहीं बोलोगे करेक्शन है यहाँ पे, हवा में बातें करोगे। शिखर धवन अवेलेबल है जी, अभी अभी मुझे करेक्शन आई है सीधा वहीं से, तो शिखर आठ प्लेयरों में नहीं थे, वही तो मैंने कहा शिखर धवन अवेलेबल है, तो चलो ये तो पांच बैट्समैन हो गए, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। कैप्टन शिखर धवन है और पांच बैट्समैन आपके पूरे हो गए, फिर तो तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया, छूट गए बस काफी है दोस्तों। ये भाई साहब बड़ा मजाक उड़ा रहे थे पहले की जीत पर, जिस यार जोश में बजाओ ना, मैं खुद ये बजाएंगे यार। अरे कोई नहीं, ढोल टाइप तोड़ दिया, डांस भी नहीं आता, गढ़वाली डांस करना पड़ेगा।